सरकार को आज अनकंडीशनल बधाई देनी चाहिए क्योंकि मंदी की मार का मुकाबला करने के लिए उसने पहला बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसकी डिमांड पहले से थी कि टैक्स के रेट, डायरेक्ट टैक्स के रेट कम किए जाएं, लेकिन सरकार उसमें आनाकानी कर रही थी। वो दूसरे बैंडेड उपायों से सोच रही थी कि मंदी को रोका जा सकता है और सेंटिमेंट को सुधारा जा सकता है। तीन बड़े पैकेजेस के अनाउंसमेंट के बाद भी जब ऐसा नहीं हुआ, FIIs के सिग्नल अच्छे नहीं आए, बाजार के सिग्नल अच्छे नहीं आए, कॉरपोरेट इंडिया का सिग्नल अच्छा नहीं आया, तो अब सरकार ने अंत में एक बहुत बड़ा कदम जो ये है कि अब कॉरपोरेट टैक्स की रेट को कम करके 25% कर दिया गया और जो बिल्कुल नई कंपनियां लगाएंगे उनके लिए वो रेट 17% कर दिया गया। ये नया इफेक्टिव रेट है, यानी कि 5 से 10% की टैक्स रेट की कमी हो गई अलग अलग लोगों के लिए। 25% का फ़ायदा उनको मिलेगा जो कि कोई और दूसरा एग्जम्पशन अवेल नहीं कर पाएंगे। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा पहले होगा उसको समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि पिछले साल में जिसमें एग्जिस्टिंग कंपनियों पर ये लागू है वो है कम से कम $150 बिलियन से ज़्यादा का FDI भारत में आया है। वो कंपनियां इसका फ़ायदा उठा पाएंगी और वो आने वाले दिनों में यहां अगर और निवेश करना चाहती हैं तो अब नई कंपनियां खोल करके 17% के रेट का फ़ायदा उठाएंगी। अब ये रेट सिंगापुर के बराबर हो गया है और 25% वाला ब्रैकेट जो है वो चाइना के बराबर हो गया है। तो अगर हम ये बात कर रहे थे कि अमेरिका और चाइना के ट्रेड वॉर के बीच में भारत के लिए ज़रूरी है कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़े, और ये डिमांड और ये बहस बहुत दिनों से थी, तो आज उसकी तरफ एक बड़ा पहला कदम उठा है। और ये भी संयोग की बात है कि ये प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के ठीक पहले हुआ है, जहां वो अमेरिकी निवेशकों को कहने वाले हैं कि भारत में आकर के निवेश करिए, सारे दरवाजे हमने खोल दिए हैं। आपको याद होगा कि इसके पहले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी 100% FDI की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं बनता कि प्रोजेक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होते। वियतनाम या बांग्लादेश हमसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव उभर करके सामने आए जब चाइना से अगर मैन्युफैक्चरिंग बेस को शिफ्ट करने की बात हुई। तो ये एक बहुत बड़ा टैक्स बूस्टर डोज है जिसका सबसे पहले हमको लगता है कि विदेशी निवेशक बड़े पैमाने पर जो आए हैं उनका एक फ़ायदा होगा। जहाँ तक घरेलू निवेशकों का सवाल है, जो इंडियन कंपनियों का सवाल है, उसमें यह है कि अब उस पैसे का कैसे इस्तेमाल करेंगे अभी पता नहीं है। हो सकता है कि वो इसको रीइन्वेस्ट करें, हो सकता है कि वो इससे डेट को चुकाने की कोशिश करें, हो सकता है कि वो डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स को पैसा देने की कोशिश करें। तो भारत की कंपनियों का रिस्पांस क्या होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मोटी बात समझने की यह है कि अगर किसी को अपना एक नया एक्सपांशन करना था एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में, तो अब शायद वो अपनी कंपनी में ना करके एक नई कंपनी खोल करके कर ले, क्योंकि वहाँ टैक्स रेट का बड़ा फ़ायदा है। यही शेयर बाज़ार में दिखा कि जो लगातार पिछले पूरे 7-9 महीनों में 2019 के सारे कैलेंडर ईयर में लगातार नीचे की तरफ था, रिकॉर्ड गिरावट आ गई थी, आज वो 5-6% बढ़ गया। यानी जो पिछला हमारा एक मार्केट कैप का जो हम मार्क टू मार्केट लॉस देखते हैं वो 5.5 लाख करोड़ रुपए की आज संपत्ति वापस उन लोगों की बढ़ गई जिनके हाथ में शेयर हैं। यानी एक बहुत बड़ा गेन हुआ है और ये सेंटिमेंट को ठीक करता है। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई रिफॉर्म सरकार की तरफ से जो कोई ओवरड्यू हो उस पर अभी तुरंत कोई अनाउंसमेंट आए, लेकिन तब भी जिन बातों पर नज़र रखने की ज़रूरत है वो ये है कि RBI इंटरेस्ट रेट के बारे में क्या करेगा। उम्मीद ये है कि थोड़ा उसको और कट करना चाहिए, उससे भी सेंटिमेंट सुधरेगा। लेकिन ये टैक्स का बूस्टर डोज इतना बड़ा है कि अब इंटरेस्ट रेट कम ना भी हो तो भी काम चल सकता है। दूसरी नज़र इस बात पर रहेगी लोगों के लिए कि अब अगर लॉजिकली जब सरकार ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है, उसने एक्नॉलेज कर लिया है कि मंदी को एड्रेस करने के लिए होम्योपैथी डोज से नहीं चलेगा और बहुत सीरियस सर्जरी की ज़रूरत है, तो ऐसे में क्या अब वो प्राइवेटाइजेशन और जेन्युइन डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ भी कदम बढ़ाएगी, उसकी कुछ तैयारी हमको नज़र आती है। BPCL उसका एक एग्जाम्पल है। सरकार ने ये कहा है कि करीबन 1,45,000 करोड़ रुपए का जो टैक्स रेवेन्यू आता इन टैक्स राहतों से, उसका ये पैसा अब रेवेन्यू फोरगॉन हो गया है। लेकिन अगर इकोनॉमी का चक्र चल पड़ा तो शायद टैक्स बायोंसी आ जाए और टैक्स की वसूली बढ़ जाए, उससे फ़ायदा हो जाए। सरकार ये क्यों कर पाई है? सरकार इसलिए कर पाई है क्योंकि उसके पास RBI से एक मुश्त बड़ा पैसा आ गया था, उस पैसे का कोई ढंग का इस्तेमाल होना चाहिए था और ये ढंग का इस्तेमाल है। एक और क्रिटिसिज्म हो सकता है, वो ये कि क्या कंज्यूमर और इंडिविजुअल टैक्स पेयर की पॉकेट में यह पैसा नहीं डालना चाहिए था? शायद सरकार ने पॉलिसी ऑप्शन में से वो चीज़ चुनी है जहां तेज़ी से और नए ढंग से एक्शन हो पाए और समय का लैग ज़्यादा न रहे।
इससे अब ये भी आशा बनी है कि आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर को हाईएस्ट जो ब्रैकेट है 42% वो चार्ज कैसे करेंगे, यानी अब एक आशा बनेगी और एक डिमांड होगी कि जो अगला बजट आएगा कम से कम उसमें इंडिविजुअल टैक्स पेयर को भी एक बड़ी राहत मिले, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट की साइकिल को किक स्टार्ट करने के लिए इतना बड़ा टैक्स बूस्टर दिया गया है। इससे भारत अब टैक्स मैप के मामले में दुनिया के कई देशों के मुकाबले हो जाएगा और पक्के तौर पर कॉम्पिटिटिव बनेगा। लेकिन इससे जो एक समस्या एड्रेस नहीं होती है वो है जो हमारा पूरा बैंकिंग का बॉटलनेक है, जो एनपीए रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो एनबीएफसी की क्राइसिस है, वो पूरी तरह से एड्रेस नहीं होती, क्योंकि भारत की कंपनियों का प्रॉब्लम अभी भी है कि उसके पास जिनको पैसा चाहिए उनको पैसा कौन दे रहा है। उसको ठीक करने की कोशिशें हो रही हैं लेकिन उसका असर अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। यानी कि अब एक बात कही जा सकती है कि जो हम लोग कई बार कहते हैं भारत के बारे में कि भारत के पॉलिसी मेकर तब रिएक्ट करते हैं जबकि क्राइसिस लाइक सिचुएशन बन जाए, तो दरअसल हम मंदी की सीरियस गिरफ्त में जा रहे थे। सरकार को लगता था कि हम कुछ दूसरे उपायों से जो उसके तर्क में फिट बैठते थे उससे वो काम चला लेगी, लेकिन अब ये बताता है कि उसने मान लिया है कि क्राइसिस बड़ी गंभीर है और बड़ा काम करना होगा, और ये बहुत बड़ा काम आज सरकार ने किया है। बहुत लोगों को ये फिक्र होगी कि फिस्कल डेफिसिट का नंबर अब बिगड़ जाएगा, शायद फिस्कल घाटा थोड़ा हमारा बढ़ जाए, लेकिन वो मुझे लगता है कि अब मैनेजेबल परिस्थितियों में रहेगा सरकार के हाथ में, क्योंकि अभी इकोनॉमी की बढ़त ज़रूरी है और फिस्कल डेफिसिट के मामले में बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए अब डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, लैंड और लेबर रिफॉर्म, ये वो तीन चार इलाके हैं जहाँ सबकी नज़र होगी, क्योंकि ये इतना बड़ा कदम है जो दिखाता है कि सरकार अब जिस लॉजिक को मान रही है उसके बेसिस पे फिर ये दूसरे काम भी करने पर वो क्यों नहीं सोचेगी, क्योंकि उससे वो लूप पूरा हो जाएगा। और जिस $5 trillion की इकोनॉमी को हम 2024 तक बनाने की बात कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा पीस तो आज आपने हैंडल कर लिया, लेकिन दूसरे जो जुड़े हुए इश्यूज़ हैं उनको भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होगा। इसीलिए आज के इस कदम से आशा बनती है कि सरकार अब लॉजिकल तरीकों से काम करेगी, न कि सिर्फ पॉलिटिकल इंपरेटिव्स को और इलेक्टोरेट के आउटरीच को ध्यान में रख करके।